विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर हमारे बीच में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण फर्टिलाइजर केमिकल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, और जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत एक ऐसा देश बने जिसको हम हेपेटाइटिस बी और सी से मुक्त करें। ये सपना, ये संकल्प, ये विचार लेकर डॉक्टर एस के सरीन जी मरीजों के इलाज के पहले मरीज हेपेटाइटिस बी सी का ना आए उसके लिए लगातार एक समर्पित भाव से लगातार काम करते हैं। हमारे राजस्थान से, और मुझे पता है कि लीवर के अंदर जब कुछ कोई बीमारी होती है तो देश में डॉक्टर सरीन को लोग अपॉइंटमेंट के लिए ढूंढते हैं। मेरे साथ भी ऐसा वाक्या हुआ, मेरे एक मित्र के फैटी लीवर के कारण बड़ी मुश्किल जिंदगी हो गई थी। डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके बाद से मैं एक परिवर्तन चेहरे पर देख के लोगों को बता देता हूं कि आपके कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं समस्या है। लोग सोचते थे एक समय के अंदर कि अल्कोहल से कारण ही लीवर में बीमारी होती है। ये डॉक्टर साहब का प्रयास है जिन्होंने कहा कि अल्कोहल तो एक बड़ा कारण है सही, लेकिन फैटी लीवर और अपने जीवन की दिनचर्या के कारण हेपेटाइटिस बी और सी भी एक बड़ा कारण है, और इसीलिए एक व्यापक अभियान देश भर में चले। आयुर्वेद और जनप्रतिनिधि मिलकर एक प्रयास करें, हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है। जनता ने हमको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कारण एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने समाज को, अपनी देश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को जो भी देश के अंदर संभावित बीमारियां हैं और बीमारी होने के कारण है उसके लिए वह संदेश उस मतदाता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। और ये काम अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि ये काम की जिम्मेदारी ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखूंगा, और इसके लिए संकल्प के साथ काम करें तो हम हमारे देश को दुनिया में सबसे स्वस्थ देश बना सकते हैं। और यह संकल्प हमारा होना चाहिए। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत जब हर चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, हर चुनौतियों का समाधान कर रहा है, हमने कोविड महामारी जैसी बीमारी के समय भी हमने हमारा वैक्सीनेशन डेवलप किया,
हमारी सामूहिक कार्य संस्कृति से, सामूहिक प्रयासों से इतने बड़े देश के अंदर हम कोविड को रोकने में काफी हद तक कामयाब हुए। उसी तरीके से स्वास्थ्य के प्रति लगातार प्रयास एक बहुत बहुत जीवन में आवश्यक है, और इसीलिए जब डॉक्टर साहब मुझसे मिले तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रयासों को आगे बढ़ाएं और इस देश के अंदर जितनी संख्या लिवर डिजीज के कारण सोरेसिस के बाद लिवर कैंसर, लिवर का प्रत्यारोपण तो हो रहा है लेकिन उस स्थिति तक कोई ना आए, उस गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने देखा है कि एक बार लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, उसकी जिंदगी की सारी कमाई सब कुछ उसमें चल जाती है। अगर हम उसकी अवेयरनेस पहले से पैदा कर दें, जैसे ही उसके लक्षण नजर आए हम उसकी इलाज शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से उस स्थिति तक पहुंचने में हम कामयाब हो पाएंगे और लीवर बीमारी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर साहब ने आज शॉर्ट में बताया, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि मैं फिर प्रयास करूंगा, सभी जनप्रतियों से फिर आग्रह करूंगा कि जनप्रतिनिधि सारे देश की जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों, चाहे स्वास्थ्य की चुनौतियां हो, चाहे सामाजिक जीवन में और चुनौतियां हो, उन चुनौतियों के बारे में जनप्रतिनिधि को जानकारी होना चाहिए। जितना अवेयरनेस और जितनी जानकारी युक्त अगर जनप्रतिनिधि होगा, उतनी अपनी जनता को अपने संदेश के माध्यम से वह हर क्षेत्र के अंदर हर विपदा हर चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। स्वास्थ्य, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति लोग गंभीर भी हुए हैं। कोविड के बाद तो विशेष रूप से दूर दराज के गांव के अंदर भी स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है, और इसीलिए इस बदलते परिप्रेक्ष्य में हम और किस तरीके से जितने भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक संकल्प का दिन होना चाहिए। अभी तक जो डॉक्टर साहब का मिशन है, हमारा मिशन है कि नीचे पंचायत के जनप्रतिनिधि जो गांव में सरपंच है, सरपंच के बाद पंच है, हर जनप्रतिनिधि को अगर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर जिस तरीके से और कार्यक्रम करते हैं, हम हमारे क्षेत्र की जनता को बुलाकर अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करें तो एक बड़ा काम देश में हो सकता है, और ये बड़ा काम हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं डॉक्टर सरीन के प्रयासों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, और अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को देखा, जब स्वास्थ्य मंत्री जी का फैटी लीवर आया तो उन्होंने संकल्प लिया और मुश्किल से 4-6 महीने बाद ही उन्होंने फैटी लीवर को बेक में कर दिया, और आज देखें आप उनके वजन को देखें, कई बार हमें लगता है कि बहुत कम वजन हो गया तो हम कहते भी हैं, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहना चाहता है तो क्यों नहीं प्रयास करता। ये हमें सोचने की आवश्यकता है, और इसीलिए जब जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व कर रहा है इतने मतदाताओं को, अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अपनी जनता को कैसे स्वस्थ रख पाएगा। और इसीलिए हम समय समय पर प्राइड हमारी संस्था जो है वो लगातार ये प्रयास करती रहती है। जो भी ऐसे गंभीर विषय हैं, चुनौतीपूर्ण विषय हैं, उसके लिए हमारी लोकसभा की संस्था, उनके अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं कि हम जो कुछ भी एक्सपर्टाइज की जानकारी है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे
और हम किस तरीके से लोगों के जीवन को बेहतरीन कर सकें, खुशहाली कर सकें, ये लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे आशा है आप सब आज यहाँ संकल्प लेकर जाएंगे और इस विचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और हर वर्ष हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मूल्यांकन करेंगे कि हम जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य के कहां तक पहुंचे। जब हम हर कार्य को हर साल मूल्यांकन करेंगे और एक दिन ये तय करेंगे कि भारत से हेपेटाइट बी और सी को समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। आज हमारी यही प्रतिज्ञा है कि हम सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक कार्य से एक दिन वो आएगा जब देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी का कोई मरीज नहीं होगा और डॉक्टर साहब का सपना भी उस दिन पूरा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।